नानमा डोल तूफान का जापान पर कहर, सैकड़ों लोग हुए घर से बेघर, जानिए कहां क्या हुआ नुकसान। जापान इस समय दोहरे संकट से जूझ रहा है। पिछले कई दिनों में यहां आए लगातार भूकंप के बाद नानमा डोल तूफान ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। हालात ये हैं कि करीब 20 लाख लोग अपने आशियानों को छोड़कर दूर निकल चुके हैं। हालांकि खबर है कि अब तक इस तूफान से कई लोगों की मौत हुई है। वहीं अब खबर है कि इस विनाशकारी तूफान की चपेट में जापान का अंतरिक्ष केंद्र भी आ गया है। आपको बता दें कि मंगलवार को शक्तिशाली तूफान नानमा डोल ने भारी तबाही मचाने के बाद प्रशांत महासागर की तरफ बढ़ गया। इस प्राकृतिक आपदा में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 100 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं तूफान की वजह से क्यूशू द्वीप के दक्षिण में तनेगाशिमा द्वीप पर जापान एरोस्पेस एंड एक्सप्लोरेशन एजेंसी के अंतरिक्ष केंद्र में एक दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। जापान के क्यूशू क्षेत्र और अन्य इलाकों में मिलकर करीब 13 लाख से अधिक घरों में बिजली नहीं है। खाने पीने के सामान वाले स्टोर बंद पड़े हैं, जिसके कारण लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हालांकि काफी देर बाद लोगों को राहत मिली। अधिकांश परिवहन मंगलवार को सामान्य हो गए। लोग तूफान के डर से 3 दिन के बाद काम पर लौट आए। बुलेट ट्रेनों और अधिकांश जमीन पर चलने वाले परिवहन का संचालन फिर से शुरू हो गया। हालांकि पूर्वोत्तर जापान में दर्जनों उड़ानें रोक दी गईं। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने मंगलवार को कहा कि नानमा डोल उत्तरी जापानी तट से प्रशांत महासागर की ओर बढ़ गया है। वहीं जापान की अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि क्यूशू द्वीप की दक्षिण में तनेगाशिमा द्वीप पर जापान एरोस्पेस एंड एक्सप्लोरेशन एजेंसी के अंतरिक्ष केंद्र में एक दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं रॉकेट असेंबली के लिए इस्तेमाल की गई इमारत को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा था। मंगलवार को चुगोकू और केंद्रीय होकुरिकू क्षेत्र में अधिकतम हवा की गति 40 मीटर प्रति सेकंड और टोकई किंकी शिकोकू तोहोकू होकाइडो के सबसे उत्तरी प्रांत पूर्वी कांटो क्षेत्र और मध्य कोशिन क्षेत्र में 35 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंचने का अनुमान है। 24 घंटों से मंगलवार की मध्यरात्रि तक टोकाई में कुल 200 मिलीमीटर, तोहोकू कांटो कोशिन और कोहरिकू में 150 मिलीमीटर तक, होकाइडो में 120 मिलीमीटर तक और किंकी में 100 मिलीमीटर तक बारिश होने का अनुमान है। दक्षिण पश्चिमी जापान में सोमवार को भयंकर बारिश और हवाओं के साथ आए एक शक्तिशाली तूफान में लगभग 60 लोग घायल हो गए। भयंकर तूफान तबाही मचाने के बाद उत्तर की ओर टोक्यो की तरफ बढ़ गया था। रविवार को क्यूशू इलाके में आफत के रूप में तूफान ने भारी तबाही मचाई थी। इस दौरान नदियों के गंदे पानी सड़कों पर भर गया और घरों की बिजली गुल हो गई। जापान मौसम विज्ञान के मुताबिक तूफान की रफ्तार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई गई थी। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।